काबिल होता है कि मुर्शिद की हालत आप जिंदा हो जाए। हारून रशीद की बीवी का आलम यह था कि हजरत बहलूल जाना कि एक मुस्कुराहट पर सरबत कुर्बान, हर चीज के लिए फिर मुर्शिद के बगैर कुछ नहीं। उन्होंने दरिया के किनारे में हिंदा आलम था, उन्होंने कहा कि जुबैदा मक्के शरीफ लोग जाते हैं बाटले जाते हैं, रास्ते में पानी की मुश्किलियां हैं, तो हुक्म मुर्शिद वाला कहा कि ऐसी नहर बनाओ कि लोग मक्के शरीफ जाने तक पानी की परेशानी से निजात पा जाए। बस आज मुर्शिद ने हुक्म दिया, कल ही से काम शुरू। दानिशवरों को बुलाया गया, उस दौर के जो काम करने वाले, जो महिलाओं के काम करने वालों की जो तादाद होती थी, जो डिप्टी का काम किया करते थे उनकी तादाद आई। उन्होंने कहा कि जितनी तेजी के साथ जितनी जल्दी हो सके हमें अगला हज आने से पहले पहले नहरे जुबैदा का काम मुकम्मल करके मक्के शरीफ तक पानी पहुंचा। और दोस्तान मुकरम को टीम दीगर महिला कर रहे थे और सरकारी इमारतें जो बन रही थी, जुबैदा बेगम ने अपने शुमार हाथ खुशी खलीफे बगदाद से कहा कि अभी जितने काम चल रहे हैं उन्हें रोका जाए, क्यों सबसे पहले हाजियों के लिए पानी का इंतजाम। रमजान के रोजे हज सकाब सेहर और अफ्तार ये नेमत है हमारे लिए, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे और भी काम हैं जिससे अल्लाह को रजा कर राजी करके बंदा अपने बड़े बड़े मसाइल का हल करा सकता है अगर खुदा की रजा उसके उसको हासिल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में आता है इतना लंबा सफर उसने 2.5 साल में मुकम्मल कर दिया। जब तक रास्तों में ऊंटों के जरिए पानी का इंतजाम रखा गया, नहरें सुबेदा मुकम्मल नहीं हो रही है, तो जहां जहां काफलों का कयाम होता था चाहे 30 किलोमीटर के बाद, वहां पर पानी के माकूल इंतजाम, नहाने के, धोने के, फरागत के, पीने के पानी के, दिगर जरूरियात के सामान का इंतजाम जुबैदा बेगम ने अपने जाती खराजात से और मुकम्मल हो गया ये काम। उसके बाद गुरबा मसाकीन को पूरी तवज्जो रखना, जितनी लड़की मुफलिस हुआ करती थी जिनके माँ बाप का इंतजाम नहीं होता था उनको तालीम और तरबियत दिलाकर हाफिज कुरान बनाना, ये उसका तरीके कार रहा करता था। अब इतना नेक काम सब जुबैदा बेगम ने किए, जो लड़की भी बगदाद से 100-100 किलोमीटर दूरी पर होती थी उसकी शादी के सिलसिले की जुबैदा बेगम ने जुम्मे नौजवान लड़कों को तरबियत दिला दी और उनको बुरी आदतों से महफूज रखा कि उसका सेवा कार। खातून होने के बावजूद उसने मर्दों पर और औरतों पर एक जैसी जगह रखी और वजह उसकी नहीं कि मुर्शिद कामिल के फैजान ने उसको इस प्यार में पहुंचा दिया और कहा कि है जुबैदा जब मैदान महशर होगा तो तू मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, जो मुर्शिद दुनिया में उसकी इजाद और बख्शिश और शफाअत का और मगफिरत का ऐलान कर रहे हो वो मकबूल बरका है कि नहीं, इंतकाल होता है। हजरत बहलूल जाने के मिसाल के बाद उसको दफन किया गया, लोगों ने सोचा देखे साहिब कश्फ बुजुर्ग हुआ करते थे जो कब्रों के राज जान लेते थे, आज भी ऐसे लोग होते हैं जो कश्फ कबूर करते हैं, कुछ अमलियात इस तरह के होते हैं जो कब्र के करीब बैठकर पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि इस कब्र में क्या चल रहा है, गुनाहगार है तो क्या इसके साथ जुलूम चल रहा है, नेकोकार है तो इसके साथ क्या बर्ताव किया गया। उन्होंने कम से कम 40 लोगों ने मुराफिब होकर के मोतकीफ होकर के जुबैदा बेगम की कब्र के पास गेट पर देखा कि जुबैदा का कब्र में हाल क्या है। तो अब नूर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो वहां के मशाइख थे, मस्तों में उनका शुमार हुआ करता था, कश्म कुबूस के माहिर थे, आपने कब्र के पास अब देखा तो क्या देखते हैं कि जुबैदा बेगम एक शाही तख्त पर बैठी, जन्नत का शाही तख्त है और हर तरह के बागात से आराजता है और निहायत हसीन जमीन इंतजाम। आपको देखा तो जुबैदा बेगम ने कब्र में भी सलाम किया, या दूर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सलाम वालेकुम सरकार कैसी जगह फरमाए जुबैदा हम ये देखने आए थे कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुना, और हमको तो ये यकीन था कि तुमने इतने नेक काम किए हैं और इस कदर दीन पर कायम रही और इस कदर दीन सुन्नत की अवाम की मखलूक की मुसलमानों की अपनी जाती अखराजात से अल्लाह के लिए अल्लाह के महबूब के लिए और अपने मुर्शिद के हुक्म के लिए खिदमत की तो उसका इनाम तो तुझे ही मिलना ही था। तो तुम्हें तो फरमाया नहीं,
मुझे ये जितने मेरे नए अमल थे जो मैंने किए थे अल्लाह के बंदे कबूल किए, बुझाने वाला है, कर्म करने वाला है, मुझे ये जो तख्त मिला है ये ना नहरे सुबेदा की बुनियाद पर, ना वो कुरान के हिफ्ज कराने की बुनियाद पर, ना लड़कियों की खिदमत करने की बुनियाद पर, ना कोई और नए काम करने की बुनियाद पर। फिर फरमाया कि फरिश्तों ने मुझे जब ये तख्त दिया तो ये कहा कि रब ने फरमाया सुबेदा, एक मरतबा तुम खाना खा रही थी और अजान जोहर हुई, जोहर की अजान हो रही थी और आपके सर पे जो दुपट्टा था थोड़ा सा पीछे था, तुमने खाना रोककर दुपट्टे को आगे किया और पहले अजान सुनी खाना रोककर और फिर खाना खाया। अल्लाह ने इस अमल की बुनियाद पर कि तुमने अजान जोहर का एहतराम किया था, हमने तुझे उसके बदले ही तख्त दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तान मुकरम जुबैदा बेगम खड़ी हो गई और कहने लगी कि सरकार सिर्फ अजान का एहतराम में ये इंतजाम है तो बाकी दिगर एहतराम और इंतजाम की क्या इनामात मिलने वाले हैं कि मेरा रब जाने के रब के महफूज। अब हमारा आलम क्या है, अजान हो रही है और धुआंधार चल रहा है, अजान हो रही है गुफ्तगू में कमी नहीं, यहाँ तक के मैंने देखा है झगड़ा चल रहा है तो अजान हो रही है, अजान हो रही है मुखालिफत भी चल रही है। अजान सुनकर भी अगर बंदा है मोमिन फैल जाए और उसका एहतराम, अजान अल्लाह की दावत है ना, आपको बुलावा है आपकी कुल मोमिनीन के लिए रब की तरफ से, रब के महबूब सरफर के हुक्म से एक दावत मोमिन की हुई। अल्लाह अल्लाह क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा, यह बताया जा रहा है सबसे बड़ा। हम कहेंगे कि पढ़ा ऐसा ही, वो तो वैसे ही पढ़ा, कायनात बड़ा कहे ना कहे तो उसकी बड़ाई अपनी जगह कायम थी है रहेगी। अल्लाह सबसे